एडवाइजर के शर्मा, एडवाइजर के शर्मा, समून अमित जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी आज के दिन ये स्ट्राइक हो रही है, तो इसका क्या मुद्दा है? देखिए, आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड 19 के कारण हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में आज सबसे ज्यादा केस जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में है। जी, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पूरे देश में 4G चल रहा है, जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के साथ इतना ज्यादा, एक कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर को एक ऐसी स्टेट बना दिया हमारा कि जहां पे कोई सुनवाई होगी ही नहीं। जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स जो है वो ऑनलाइन स्टडी, जबकि समझ ही नहीं आ रही हमारे बच्चों को। बहुत से गांव दराज के ऐसे गांव हैं जहां पे नेटवर्क है ही नहीं, 2G के कारण कोई स्टडी हो नहीं पा रही। उसके बावजूद भी हम लोग, जो असगर समून साहब कहते हैं कि 250 रुपया ट्यूशन फीस है, वो हम देने के लिए रेडी हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में एक भी कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसमें 250 रुपया ट्यूशन फीस है। तो अमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप काफ़ी दिनों से, कभी स्ट्राइक, कभी आप जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे आप मिलते हैं, तो क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा ये इसी सुनवाई? ये सब मिले हुए हैं, ये सिर्फ अपनी अटैचियाँ मोटी करने के लिए ट्वीट कर दिया जाता है कि 30% फीस कम कर दी गई है, जबकि मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है कि ट्यूशन फीस जो है वो 30% जो है वो लेस कर दी गई है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में अभी तक ये नहीं बताया गया कि व्हाट इज ट्यूशन फीस, जबकि असगर समून साहब एलजी साहब की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में 5 से 6 हज़ार स्कूल जो है वो सिर्फ 250 रुपया ट्यूशन फीस लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी स्कूल जो कि 250 रुपया ट्यूशन फीस नहीं लेता, यहाँ पे 500 से लेके 8 हज़ार रुपये तक ट्यूशन फीस है। लेकिन कहाँ से देंगे इस पैंडमिक सिचुएशन में लोग? आप खुद समझदार हैं कि 90% लोग जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर में वो प्राइवेट बिजनेस है, किसी की दुकान पे काम करते हैं, कोई टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई रेडी वाले हैं, कोई कुछ है, यानी कि सबका काम काज जो है आज सिर्फ रोटी खाने के लिए लोग बड़ी मुश्किल से अपना रोजगार अपना रहे हैं। कहाँ से देंगे ये फीस, और देनी भी किस चीज़ की फीस है, मुझे ये चीज़ बता दीजिए। ये गवर्नमेंट की कौन सी तानाशाही है कि हम हमारे बच्चे घर बैठे हैं, जब स्कूल जा ही नहीं रहे तो हम लोग किस बात की फीस दें, और 2G में कैसी फीस दें, और पूरी मंथली फीस क्यों दें? और जबकि आपको पता है कि स्कूल वाले कर क्या रहे हैं, स्कूल वाले बच्चों को, पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, किसके नाम की? पेपरों के नाम की, U1 U2 हाफ ईयरली। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जी प्राइवेट CBSE स्कूल वाले स्कूल चला रहे हैं या गुंडागर्दी अपना रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं, हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को ग्रुप में जलील किया जा रहा है बच्चों को। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कल को इन्होंने बच्चा जैसे ये ऑनलाइन स्टडी से बाहर निकाल रहे हैं या पेपरों के नाम की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, अगर एक भी बच्चा, एक भी पेरेंट्स के साथ कुछ गलत हो गया, तो कौन जिम्मेवार होगा? ये सरकारें जिम्मेवार होंगी। ये सरकारें आज स्कूल खोलने जा रही है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट इनका, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई वेंटिलेटर मशीन नहीं, वहाँ पे आए दिन मौत के घाट लोग उतारे जा रहे हैं। ये हमारे बच्चों को मौत के कुएं में फेंका जा रहा है स्कूल खोलकर, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अंडरटेकिंग दे, यानी कि पेरेंट्स लिख के दे कि हमारे बच्चे जो है वो मौत के कुएं में फेंकी है, और हम लिख के देते हैं कि आपके स्कूल वालों का और सरकार का कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, हमारी पेरेंट्स की जिम्मेवारी रहेगी। आखिर ये कैसी सरकारें आ गई? अब 370 टूटने के बाद हमने ये सोचा था, हमने वेलकम किया था जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि चलो कम से कम अब इन सियासतदानों से हमारा छुटकारा होगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, अब हम कहते हैं कि हमारा इस गवर्नर रूल से छुटकारा हो। अमित जी, मैं एक और बात जानना चाहूँगा आपसे, आप तो हमेशा प्रोटेस्ट पे भी आते हैं, रोड्स पे भी आते हैं, या फिर किसी ऑफिसर से भी मिलते हैं, तो क्या हमारे जो नेता हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई मीडिया में प्रेस नोट नहीं करते वो, तो क्या उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में नहीं पढ़ते, या फिर वो खाली वोट बटोरने के लिए आते हैं लोगों के पास? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ की जो राजनीति है ये 70-75 सालों से बहुत ही गंदी राजनीति रही।
एक भी पार्टी कोई ऐसी नहीं जिन्होंने मुद्दे पे राजनीति की हो। अरे भाई लड़ना है तो जैसे केजरीवाल दिल्ली में एजुकेशन के नाम पे लड़ा, हेल्थ के नाम पे लड़ा, उसने वहां पे सरकारी स्कूल ऐसे बना दिए हैं कि आज सरकारी स्कूलों की जो अच्छाई है वो अमेरिका की प्रधानमंत्री की वाइफ अमेरिका में जाकर बता रही है कि क्या स्कूल बनाए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लीडर जो है ये सिर्फ जातिवाद पे लड़ाना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना जानते हैं, ये इन्हीं राजनीतियों से वोट बटोरना जानते हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब पेरेंट्स अवेयर हो चुका है। आज 1,25,00,000 अवेयर जो पेरेंट्स हो चुके हैं वो कहते हैं कि अब जो राजनीति होगी वो एजुकेशन पे होगी, हेल्थ पे होगी। जब तक हमारे एजुकेशन का सुधार नहीं होगा, जब तक हेल्थ का सुधार नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर का ही नहीं पूरे इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बता दीजिए कि एक आम आदमी का 70% जो पैसा है पूरी लाइफ का वो कहाँ जाता है? एजुकेशन में। जब एजुकेशन इतनी महंगी कर दी आपने, इतनी कॉस्टली कर दी, आज कोई रोकने वाला उनको नहीं। JKFFC सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाई थी, एक साल हो गया वहां पे चेयरमैन अभी तक नहीं आया। लास्ट में इन्होंने चेयरमैन अपॉइंट किया, लेकिन चेयरमैन जो अपॉइंट किया एक महीना हो चुका है अभी तक वो भी चेयर पे नहीं बैठे। डायरेक्टर की तरफ से, जो स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर की तरफ से कोई ऑर्डर दिए जाते हैं तो उस पे कोई भी अपनी स्कूल वाले अपनी मनमानियां करते हैं। साफ साफ बता देता हूँ, डायरेक्टर एजुकेशन हो या फिर ऊपर सब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जब तक ये चेंज नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, 3 LG चेंज हो चुके हैं, 3 LG चेंज हो चुके हैं हमारे इस मुद्दे के टाइम। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, सरकारों को ये समझ क्यों नहीं आ रही, मोदी साहब को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर में LG चेंज करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो इन ब्यूरोक्रेट्स को जरूरत है चेंज करने की। क्योंकि वही एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट्स, वही एडवाइजर हेल्थ डिपार्टमेंट के, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स का और जम्मू कश्मीर की आम जनता का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को कहना चाहता हूँ, अगर LG साहब अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर सच्ची में आप जम्मू कश्मीर की आम जनता का कुछ सोचने आए हैं, तो मिलिटेंटों को रोजगार देने के बजाय आप एक आम जनता की, आम पेरेंट्स की फीसें माफ करें सबसे पहले, फिर हमें एहसास होगा कि आप लोग मिलिटेंटों के नहीं हैं, आप लोग हमारे पेरेंट्स के हैं, हमारी जनता के हैं, हमारे आम आदमी के हैं। आप लोग इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल 13,000 करोड़ रुपया फंड दे सकते हैं, लेकिन आप एक आम आदमी की 500 से 5,000, 7,000 रुपया फीस नहीं माफ कर सकते एक साल की। आखिर किस तरह आप गवर्नमेंट चलाएंगे, किस तरह आप ये, किस तरह का आपका ये राजनीति कैरियर रहा है? क्या आप यही सब करते आए हैं? आपने और मुफ्ती साहब में फर्क क्या रह गया कि आप भी मिलिटेंटों को सपोर्ट करेंगे और एक आम जनता पेरेंट्स बेचारा रोडों पे खड़ा होकर प्रोटेस्ट करता रहेगा और आप उनकी फीसें तक माफ नहीं कर सकते? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है हमें, लेकिन आने वाला जो कल है वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पेरेंट्स आज जाग चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपसे बात कर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका। तो हम एक दो पेरेंट्स से भी बात करना चाहेंगे और देखेंगे ये इनका क्या इसमें। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंजलि गुप्ता है जी। तो मेरी बेटी जो है CBSE MHSE नागमनी स्कूल में पढ़ती है। मेरी बेटी को फीस ना देने के चक्कर में उसको ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया गया हुआ है। उसको किसी तरह का कोई काम नहीं आ रहा, किसी तरह के उसके कोई एग्जाम नहीं आ रहे। तो मैम क्या कहा जा रहा है स्कूल की तरफ से? हाँ, आपको सर स्कूल किसे मैम का फ़ोन आता है, वो कहती हैं कि आप अपने मैनेजमेंट से बात करो, इसके लिए आपको मैडम जो प्रिंसिपल मैम है स्वीनपुरी उनसे बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो स्कूल में विजिट करते हैं 19 सितंबर को, तो वहाँ पे मैनेजमेंट से बात होती है। मैनेजमेंट कहती है कि उन्होंने एक बल्क अमाउंट हमारे आगे रख दिया है, तो जिसके चलते हमने कहा कि हम ये पूरी पेमेंट, हमने बड़ी पोलाइटली बात की कि इस वक्त हमारी अर्निंग नहीं है, हम पूरी पेमेंट नहीं दे सकते। लेकिन उनका कहना है कि आप स्वीनपुरी मैम का, जो प्रिंसिपल है वहाँ की स्कूल की, एक डिसेंट लेडी हैं, उनका कहना है कि आप सिर्फ 2 पेमेंट्स में हमें पेमेंट कीजिए, यानी कि अगर 40,000 है तो 20,000 और 20,000। एडमिशन फी भी मांगी जा रही है आपसे? एडमिशन फीस एवरीथिंग सब कुछ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कवलप्रीत है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस मुद्दे पे?
मैं सर आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी एलजी सर को कि ये जो आप बातें करते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी कि हम मिलिटेंटों को जॉब दे देंगे ये वो, ये सब छोड़िए और इस तरफ जम्मू की जनता की तरफ ध्यान दीजिए। जो पेरेंट्स इतने हराश हो रहे हैं, स्कूल वालों ने इतना परेशान करके रखा है पेरेंट्स को, कोविड में हम कहाँ से पैसे लाएंगे और स्कूल वालों की इतनी फ़ी देंगे? आपको पता हालात कैसे चल रहे हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन कहाँ जाएगा? इसलिए मैं एलजी सर को यही रिक्वेस्ट करूँगी, सर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत आप में बाकी है ना तो और एलजीओ जैसे आप नहीं आए, अगर आप कुछ करना चाहते हो जम्मू के लिए तो बस इतना ही कीजिए कि जम्मू के पेरेंट्स की आवाज़ सुनो और उनपे जो ऑर्डर्स आपको जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करो बस। और ये फालतू की बातें छोड़ो, ये मिलिटेंट, अब आप क्या चाहते हो कि पेरेंट्स भी कल मिलिटेंट्स बन जाएं? मिलिटेंट्स बन जाएं कल लोगों को जब पेरेंट्स के पास फी नहीं होगी बच्चों को देने के लिए तो उन्होंने बंदूकें ही उठानी है ना, कल वो पेरेंट्स भी मिलिटेंट्स बन जाएंगे फिर आप खुश रहेंगे? जब जम्मू में भी मिलिटेंसी आ जाएगी तो बस सर मैं ये ओके बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या आज से कुछ, मेरा नाम अंकुश है, आज से कुछ दिन पहले स्कूल एजुकेशन मैडम ने एक नंबर निकाला था पेपर में कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी हमें आप कॉल कीजिए। अभी एक हफ्ता पहले एडवाइजरी एक आती है कि जो एनुअल चार्जेस जिस स्कूल ने लिए हुए हैं उनको वापस होने चाहिए 10 गुना। मैंने खुद कॉल किया हुआ है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैंने कहा मैम स्कूल वाले आपकी एडवाइजरी नहीं मान रहे हैं तो मुझे एक ऑर्डर दीजिए जिसपे उनके साइन है। तो कम से कम 15 मिनट उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा सर आई, उन्होंने माना एडवाइजरी आई हुई है, जो उनके हेल्पलाइन नंबर है उन्होंने माना एडवाइजरी आई हुई है, आप मुझे कॉल कीजिए 15 से 20 मिनट तक हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सर 15 मिनट बाद मैंने जब कॉल करता हूँ वो फ़ोन ऑफ हो जाता है। अगर स्कूल एजुकेशन मैडम, डायरेक्टर मैडम ये आपकी वीडियो देख रही है, मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ जो आपने नंबर सर्कुलेट किए हैं लोकल लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, वो जहाँ तो उनसे पूरा बात कीजिए, पेरेंट्स को समझाइए, जहाँ तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। अगर आपने एडवाइजरी निकाली है हर स्कूल में एडवाइजरी दे दीजिए कि एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं तो स्कूल वाले मान ही नहीं रहे अपने ऑर्डर को। आप ग्राउंड लेवल पर देखिए कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं किस तरीके से पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरीके से पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और स्कूल वालों की गुंडागर्दी जो है वो कितनी कैसे किस तरीके से